अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हो, ये वाली जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास ईंटें भी पड़ी हुई हैं, तो ये हमारे अहमद, ये देखे कितनी खुशी के साथ सफाई भी कर रहे हैं यहाँ से। तो इनको पता है हमारा जो जेफ है वो इधर आएगा, उसको फिर इधर ला के रखेंगे। तो मांगने वाले तो काफ़ी ज़्यादा हमारे दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं। कोई कहता है हमें दे दें, कोई कहता है हमें दे दें, कोई हमें तो डर है जितने हमारे उधर डेरे पे आते हैं। तो डर ये है कि कोई उठा के ना ले जाए, हमें पता भी ना चले। डेरे पर जाके हम उसको लेकर आते हैं यहाँ पर। देखो क्या खा रहा है, गाजर खा रहा है। ये देखो हमारा छोटा, तो ये रह गया, अब इससे भी मिल ले। मैंने आपको बताया था कि इसका जो जेफ है जो अब जा रहा है, अब इसका टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये देखें, ये बॉक्स पड़ा है छोटा, ये मैंने इस पर सुराख कर दिए हैं। ये मैंने सोचा है कि इनसे मिला लूँ। ये भी इसकी जेफ की बहन है, और ये इसका भाई है जेफ का, और ये भी एक बहन है इसकी। तो ये आखिरी मुलाकात है इनकी। अब ये जा रहा है घर, अब ये जाएगा हमारी घर के छत के ऊपर जाएगा। ये देखें, जैसे मैं ये ले आया हूँ अब इसके न्यू घर में, तो जैसे मैंने बताया था छत के ऊपर, कैसा फील हो रहा होगा इसको, अब इसको देखते हैं हम। जेफ, ये देखो इसके नीचे हमने जो छोटा सा गद्दा सा रखा हुआ था। हाँ जेफ, हाँ कैसा लग रहा है? अभी ये कंफ्यूज हो रहा है, सोच रहा है पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो अभी मैं इसका घर तैयार करता हूँ, तो खुद बना लेंगे। कौन सी कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है? अभी मैं थोड़ा सा कुछ सीमेंट लेके आता हूँ, तो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मैं अभी आ गया हूँ बाहर, तो अभी मैं चल रहा हूँ बाइक पे। तो थोड़ा सा सीमेंट लाना है, जितना ज़रूरत है जेफ का छोटा सा घर बनाना, तो इसलिए थोड़ा सा लाना है। तो मैं ये देखें अब ले आया हूँ सीमेंट, ये देखें इतना सा ले गया हूँ, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है। बस ये कि यहाँ पे बना लूँगा छोटा सा घर, दीवारें खड़ी कर लूँगा ना, अभी बना लूँगा ऐसे ही। तो अगर काम पड़ गया तो फिर बाद में देखूँगा, बाहर जो प्लस्तर के लिए अगर काम हुआ तो फिर थोड़ा और ले आऊँगा। जैसे कि यार मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम घर बनाएंगे, ये इस जगह पे। ये देखें कितनी ज़्यादा इधर ईंटें पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाने वाले थे, मैं इधर बनाने वाला था, तो लेकिन घर वाले नहीं माने, वो कह रहे हैं इधर बनाओ इस कोने में। तो अब हमें ये सारी ईंटें, ये देखो यहाँ पर रखे ना थैला, तो हम ये सारी उठा रहे हैं, सारी यहाँ से क्लियर करेंगे। ये सारी उठा के इसके ऊपर रख रख के उधर साइड पर रखेंगे, साइड पर जाके। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हम बनाएँगे इसका घर। तो यार देखें, काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने ये जगह कंप्लीट कर ली है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली, देखें जो मैंने दिखाया था ना आपको, यहाँ पे कितनी इधर छोटी ईंटें भी पड़ी हुई थी, ठीक है, वो भी उठाई हमने। तो यहाँ पे जो इस तरह का जो लाइन है, ये सारी लाइन इस तक यहाँ तक थी, ये अब खाली की है, क्लियर की है। तो फाइनली यहाँ से ये देखे मैंने सफाई करके क्लियर कर लिया। मैं सिर्फ एक दीवार यहाँ पर करूँगा सीधी, तो एक यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पे मैंने दरवाज़ा रखना है। सिर्फ दो दीवारें करके ऊपर छत डाल देनी है। तो मैं जिस साइड पे भी अगर जैसे छत के लिए मैं कोई सरिया या कोई राड रखूँगा ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यहाँ पे सुराख कर लूँगा ड्रिल के साथ। तो इसके लिए फिर वो सपोर्ट भी बन जाएगी, छत बन जाएगी क्लियर। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखा। ये हमारे पास रेत है, ये सीमेंट है, ये हम इसमें मिक्स करने लगे हैं। एक दो रोड़ा लिया, रोड़ा एक मिनट यार
ये इनका खुटा है। ठीक है भाई, मुकम्मल कर लिया अपने जेफ का घर। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें दो चीज़ की कमी है बस, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। तो वो ये कमी है, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये किस किसने बनाया। ये भाई ने बनाया मेरे ने, तो मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत काम किया है इसमें। तो मैं पहले दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ की कमी रह गई है। तो पहले ये देखें आप कि ये सारा मुकम्मल तैयार हो गया है। इसमें पहले हमने कुछ करना है कलर, तो इसमें कुछ कलर करना है एक, तो इसके ऊपर डालनी है मिट्टी। कि अभी ये देखें ना, ये अभी छत है इसकी, बस इसके ऊपर मिट्टी डालनी है। अली इधर हो जाओ, मिट्टी डालनी है। तो मिट्टी डाल के तो इसके ऊपर हम कलर करते हैं, कोई कली या कोई रंग या कोई इस तरह की चीज़ करेंगे तो फिर ये खूबसूरत प्यारा बन जाएगा। तो हम मैं इसके लिए ले कर आता हूँ पहले कोई कलर वगैरह। तो मैं साथ अहमद को ले, अहमद चलोगे मेरे साथ? यस, मैं भी। तो
नहीं अली नहीं जाना। तो मैं और अहमद हम दोनों चलते हैं, तो ये बड़ी जिद करता है, कहता है कि मुझे भी साथ लेके जाया करो, आपने भी बड़ी हमारी हेल्प की है। तो अब हम लेके आते हैं कोई वाइट कलर या कोई इस तरह की चीज़ लाते हैं कि इसको पेंट कर देते हैं हम। मुर्गियों का भी घर बना रहे हैं। हाँ ये इसकी समझ नहीं आई, ये बोलता बहुत है लेकिन इसकी समझ नहीं जल्दी आती। ये कह रहा है कि हम मुर्गियों के लिए भी वो बनाया ना जो घर, उसके लिए उसके ऊपर भी कोई पेंट कर देंगे। तो चलें चलते हैं हम। यार अहमद को तो मैं साथ लेके जा रहा हूँ, अब अली ने बड़ा तंग करके रखा हुआ है, ये देखें अली मुझे बड़ा तंग करता है। अली को समझाएं आप, अली साथ लाजमी आएगा, इसने कहना या उसको घर छोड़ के जाओ तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगा साथ। बार जेफ को लेने ये चला गया था साथ में, अब मैंने कहा अब मैं भी जाऊँगा। हाँ। ये कह रहा मैंने भी साथ में जाना अब। हाँ ये देखें वो अली कहता है अगर इसको घर छोड़ के जाओगे तो मैं भी घर में रहूँगा, अगर इसको साथ लेके जाना है तो मैंने भी जाना। पिछली दफ़ा ये अकेला मेरे साथ गया है जेफ को लेने, तो अब अहमद ने जाना था लेकिन इसने ज़िद की है, ये देखे बैठ गया साथ। चलो इसको भी अब ले जाता हूँ साथ। यार मैं अब ना ये सफ़ेद सीमेंट ले आया हूँ, इसको वाइट सीमेंट बोलते हैं, मैं इसको कर देता हूँ, अगर ये नहीं अच्छा लगेगा उसके बाद कोई अच्छा कलर कर दूँगा। तो ये वाइट सीमेंट डाल दिया हमने इसमें, तो अब पानी मिक्स कर रहा हूँ के साथ, इस तरह मैं हिला लेता हूँ कि ये एक जगह में जम ना जाए। अभी मैं ये बना लिया, तैयार कर लिया, अभी मेरे पास ब्रश नहीं था तो घर में पड़ा था, अभी मिल नहीं रहा मुझे, तो मैंने अभी ये वाला जुगाड़ लगा के तैयार कर लिया। तो मैं इसके साथ ये इसमें ये देखें कि मैं इसमें ये इस तरह करके ना इसके साथ, तो मैं इसको इस तरह पेंट करूँगा। अब तो दिखाता हूँ किस तरह करता हूँ मैं, इस तरह कर दूँगा सारा। चाचू ये खीर खा लें बाद में कर लेना। ये अहमद मेरे लिए खीर लेके आया, ये कह रहा पहले खा ले बाद में कर लेना काम, तो अभी पहले खा लेते हैं बाद में करते हैं ये। चाचू ये कह रहा है ये वाला ब्रश ले लो। यार इसके साथ करूं। ये देखिए अहमद मेरे साथ मजाक कर रहा है कि इसके साथ टाइम लग रहा है ना, इसके साथ अच्छी तरह हो नहीं रहा, तो ये देखें ये लेके आ गया, ये कह रहा है इसके साथ अच्छी कर दो। अली नहीं 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 तो यार देखें ये कितनी मेहनत के बाद ये वाला घर मैंने तैयार किया है छोटा सा, सिर्फ ये ब्रश की वजह से थोड़ा सा काम लेट हो गया, नहीं तो ये जल्दी हो जाना था कलर वाला। तो इसके ऊपर सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो ये है कि यहाँ पे जेफ का नाम लिखने वाला रह गया, अब वो बाद में लिखेंगे हम, तो इतनी लंबी वीडियो नहीं करनी। तो यार ये देखें इतनी मेहनत जेफ के लिए और आपको दिखाने के लिए। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।